हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ESICE UDC का 19 मार्च 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। तो एग्ज़ाम होने के बाद UR, OBC, SC, ST, EWS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटागरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। MTS पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 27 साल, UDC और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी और एज जो है आपकी 15/2/2022 से काउंट की जाएगी। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी है 3600 प्लस। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क है, UDC पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर स्टेनो पोस्ट है इसमें, और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है, जिसमें अपर डिवीज़न क्लर्क UDC के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। अगर हम स्टेनोग्राफर स्टेनो की बात करें, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए टाइपिंग मांग रहा है 10 मिनट में 80 वर्ड, और इंग्लिश में 50 मिनट में कितने वर्ड मांग रहा है इसमें नहीं दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हिंदी में 65 मिनट। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों ने 10th पास किया है, यानी कि हाई स्कूल आप लोगों ने पास किया है किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। गाइस, अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 1/4/2012 को एग्ज़ाम हुआ था और 10/5/2012 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें UR की कट ऑफ जो है 76.75, OBC की 70, SC की 67.25, ST की 58, EX सर्विसमैन की 57.50 और PH की जो कट ऑफ है 54.50 गई थी। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी। अब हम बात करेंगे कि 2022 में आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है एग्ज़ाम होने के बाद। अगर हम 2022 के कट ऑफ की बात करें तो UR का जो कट ऑफ है 155 से 170 के बीच में जा सकता है, और OBC और EWS का कट ऑफ 137 से 163 के बीच में जा सकता है, और SC का कट ऑफ 100 से 125 तक जा सकता है, और ST का कट ऑफ 87 से 128 तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी ESICE UDC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, आप लोग कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है, बिल्कुल सही से बताइएगा। एक और वीडियो में लेकर आऊँगा कट ऑफ का, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करते हैं, जिससे कि आने से नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।